नमस्कार दोस्तों, पैसा तक बने का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है और वो कोई भी ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी है कि कोई भी, अगर कोई स्टूडेंट भी होगा जो 10th 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा होगा, उसको भी ये समझ में आएगा कि वो इतना सिंपल है। तो इसका मतलब ये है कि ये सबके लिए बनी है, प्रोफेशनल अमेच्योर ट्रेडर्स कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, राइट। तो ये स्ट्रेटेजी देने के दो रीज़न है। सबसे पहले तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम है उसमें हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं हर बार ये ट्राई करता हूँ हर 3 या 4 महीने में थोड़ा ये प्रोग्राम इवोल्व हो। तो एक तो उनके लिए है, दूसरा जब नॉलेज की बात आती है तो मैं ऐसा प्रीफर नहीं करता कि मैं कुछ लोगों के साथ शेयर करूँ कुछ लोगों के साथ शेयर नहीं करूँ, क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन अवर लाइफ एंड अवर लक। कि अगर पैसा किसी के कोई बना सकता है तो वो बना लेगा। तो नॉलेज छुपा के शेयर करना मुझे ये बातें प्रिफर नहीं करता। पर हाँ, अगर आप टेलीग्राम में जुड़े हुए हो तो डेफिनेटली कोई भी स्ट्रेटेजी का एनहेंस गाइडेंस मिलेगा। टाइम टू टाइम काफ़ी सारी अपडेट्स आती है कोई भी स्ट्रेटेजी के लिए, तो वो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा आपको। पर जो मेन स्ट्रेटेजीज होता है वो मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं काफ़ी लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है। तो ये कैसी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मुझे, मेरा ये वर्किंग स्टाइल रहा है कि मैं एक्यूरेसी पे फॉलो नहीं करता, मैं उसके अगेंस्ट में हूँ। एक्यूरेसी के अगेंस्ट में मैं प्रोबेबिलिटी के फेवर पे हूँ। आप अगर आप चैनल फॉलो कर रहे होंगे आपको पता होगा। पर मेरे पास क्या होता है कि हर एक टाइप के ट्रेडर आते हैं। कोई ट्रेडर बहुत पेश जिसमें बहुत पेशेंस होता है, कोई ट्रेडर में बिल्कुल पेशेंस नहीं होता। किसी को लगता है कि बस बता दो कि कैसा पैसा बनेगा। कोई हाउसवाइफ होते हैं, होम मेकर होते हैं, रिटायर्ड पर्सन होते हैं, और कहीं ना कहीं एक कॉमन माइंडसेट हमेशा ऐसा रहता है कि लोग प्रिफर करते हैं कि भले कितनी भी खराब स्ट्रेटेजी हो पर उसमें सक्सेस रेशियो आप दे दो, और भले कितनी बहुत सही स्ट्रेटेजी हो पर अगर उसमें मैंने सक्सेस रेशियो नहीं दिया तो अच्छा नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ को टैकल करने के लिए मैंने ट्राई किया हुआ है। इसमें मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैंने दूसरों को ट्रेडिंग करवाया उसके हिसाब से मैंने इसका डेटा निकाला है, तो वो 80% के आसपास आ रहे हैं। और अगर आप काउंटर ट्रेड वगैरह फॉलो करोगे, थोड़ा सीरियस होगे स्ट्रेटेजी में, तो ये मिनिमम 80% बोल रहा हूँ, बाकी आने के लिए 85-90% आ सकता है। तो मैंने ये लगा दिया 80% वाला टैग, ताकि जो एक कॉमन माइंडसेट है उसको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। हाँ सर, हमें पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेटेजी में क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि मैं चाहता हूं कि ये स्ट्रेटेजी धीरे धीरे आप लर्न करो, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करो। मैं ये स्ट्रेटेजी में आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्यों स्ट्रेटेजी बनी, क्या है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, सब कुछ। मैं चाहता हूं कि यही स्ट्रेटेजी आप यूज करो कि जब हमारा जनवरी 15 के बाद जो 1 करोड़ इंट्राडे ट्रेडिंग चैलेंज वाला मूवमेंट है उसमें भी ये स्ट्रेटेजी आप लोग यूज करो, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए यूज किया हुआ है। तो इस स्ट्रेटेजी को मैंने एक निकनेम दिया है, हर एक स्ट्रेटेजी को निकनेम दिया है ना, जैसे ओआरबी प्लस है, 12 PM है, माउंट स्टेप स्ट्रेटेजी है, तो इसको नाम दिया सेकंड ट्रेन राइड। मतलब फर्स्ट ट्रेन को हमें नहीं छूना है, कहीं पे हम जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन तो जो फर्स्ट बेस्ट ट्रेन होती है ना वो नहीं चूज करनी है, सेकंड ट्रेन राइड में उसको बोलता हूँ कि सेकंड बेस्ट ट्रेन को चूज करना है। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी समझा देता हूँ, चार्ट के थ्रू ही समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैं भी देख रहा था कि कौन से अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लूँ, तो मुझे ये कोटक बैंक है उसका एक चार्ट दिखा। तो चलिए इसमें से ही थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 18 दिसंबर का कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट देखिए, 18 दिसंबर को ये खुला, ठीक है। बाद में पूरे दिन स्लो स्लो करके ये ऊपर ही गया हुआ है और ऊपर ही क्लोज हुआ, ठीक है। अगर लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन के वीडियोस आपने देखे हैं तो मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि कंटिन्यूअस पॉजिटिव इंक्रीमेंटल लिक्विडिटी, के कंटिन्यूअस इस स्टॉक में पूरे दिन अच्छी अच्छी लिक्विडिटी पुश होती रही, इसलिए स्टॉक ऊपर गया। ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, जिस तरह से ये गया हुआ है। अब मैं दूसरे दिन के लिए, जैसे जैसे मैं मुझे ट्रेड करना है मंडे को, तो मैं फ्राइडे में निफ्टी 50 का स्टॉक लेके बैठूंगा और मैं देखूंगा कि कितने स्टॉक में ऐसा पॉजिटिव लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इस तरह से हुआ है, तो वो स्टॉक को मैं शॉर्ट आउट कर लूंगा, ठीक है। ज्यादा काम नहीं है, 5 मिनट का भी काम नहीं है, ठीक है। अगर आप निफ्टी 50 की बात करें तो मैं इंट्राडे मास्टर में 25 स्टॉक में ही ट्रेड करवाता हूँ जो 500 से 3000 के रेंज में हो। तो हर एक के कुछ फेवरेट स्टॉक होंगे, तो जैसे चार्टिंग में भी आ गए पांच दस स्टॉक का चार्ट ओपन करने में कितना टाइम लगेगा, ये कोई 1 घंटे का या आधा घंटे का भी होमवर्क नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया। अब 19 दिसंबर आई, तो 19 दिसंबर में इस तरह से ओपन हुआ ये कैंडल, ठीक है, फिर बाद में ये कैंडल,
ठीक है। 19 दिसंबर को हम क्या करेंगे, 19 दिसंबर को डायरेक्टली फर्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसमें हम वेट करेंगे कि सेकंड कैंडल का बिहेवियर कैसा है। सेकंड कैंडल का जो बिहेवियर है वो देख के हम इसमें ट्रेड करेंगे, फर्स्ट कैंडल पे हम नहीं करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं। क्या हम फर्स्ट कैंडल पे कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर रिस्क ज्यादा है, वो ध्यान से सुन लेना, कर सकते हैं पर रिस्क थोड़ा ज्यादा है उसमें। तो बेटर है कि सेकंड कैंडल कैसे क्लोज होती है और या तो वो कैसे शुरू होती है, किस तरह से जा रही है, वो भी देखा जाए, ठीक है। जैसे यहां पे अगर ये फर्स्ट कैंडल के लो पे अगर आपने ट्रेड, क्योंकि ब्रेकेट ऑर्डर हम डालते हैं ओआरबी स्ट्रेटेजी में, ठीक है, सीधा हम यहाँ पे ओआरबी स्ट्रेटेजी दूसरे दिन फॉलो करेंगे, तो पूरे दिन प्रॉफिट हुआ होगा, जो डाउन साइड वो आ गया हाथ में। यहां पे अगर सेकंड कैंडल पे ट्राई किया तो उसका हाई था 1241 और वो नीचे की तरफ क्लोज हुई, यहां पे 1233 पे, उसके बाद भी ट्रेड डाला होता तो भी प्रॉफिट हुआ होगा। अब मैं समझाता हूं कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि दूसरे दिन हम जब ओआरबी स्ट्रेटेजी इसमें फॉलो करेंगे तो फर्स्ट कैंडल को बेटर है कि थोड़ा अवॉइड करो, रिस्की है। मैं बताता हूं उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो मैंने क्या बोला, हमको ऐसा स्टॉक चूज करने है कि जिसने प्रीवियस दिन पॉजिटिव लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, राइट? ओके, सोचो कि पूरे दिन ये सब स्टॉक ने कम से कम 2-3% रिटर्न दिया होगा, कम से कम 2% रिटर्न, ओके। अब क्या होगा बताए, जब आपकी फर्स्ट कैंडल आएगी तो हमें अभी भी नहीं पता कि मोमेंटम अभी आज के दिन का कौन सा साइड जाएगा, फिर से वो अप ही जाने वाला है या तो फिर से वो डाउन ही जाने वाला है। तो इसके लिए बेटर है कि एक और कैंडल का क्यों ना कंफर्मेशन लिया जाए कि क्या होने वाला है, ठीक है। और जो इंटरनेट ट्रेडिंग मास्टर है उसमें ओआरबी के लिए तो हमने दोनों कैंडल का स्ट्रेटेजी डाल दिया है ना, जो ड्रॉपडाउन में से सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी कैंडल में ट्रेड करना है, फर्स्ट या सेकंड, तो हमारे पास वो ऑप्शन है। दूसरा एक बहुत बड़ी बात, दूसरे दिन जब आप ट्रेड करो पर आपकी जो फर्स्ट कैंडल हो वो 1.5% से ज्यादा हो, ये हमारा थंब रूल है जिसको हम बिग कैंडल बोलते हैं, जो लोग इंट्राडे मास्टर में जुड़े उनको पता होगा। सेकंड डे अगर आपकी जो फर्स्ट कैंडल हो 1.5% से ज्यादा हो तो पूरा ट्रेड ही अवॉइड करो। अच्छा उसका भी रीजन क्या, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सोचो आप यहां पे उसने 2-3% रिटर्न दे दिया, ठीक है, प्रीवियस डे। अब फर्स्ट कैंडल में भी उसने 1.5% का रिटर्न दे दिया, मतलब प्रीवियस डे और फर्स्ट 15 मिनट में उसने 3.5% का रिटर्न दे दिया, तो मैं इस स्टॉक से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता फिर पूरे दिन में, शायद ये रेंज बाउंड ही जाएगा ज्यादातर केसेस में, समझ रहे हो? ये लॉजिक है बस, और कोई लॉजिक नहीं है। अब देखो कि जो 20 दिसंबर था, 20 दिसंबर को भी इसने जैसे तैसे करके वो ऊपर ही गया, तो मुझे ऐसा ही स्टॉक चाहिए, ठीक है। उसकी सेक यहां पे देखो कंटिन्यूअसली ये ऊपर ही है, फिर 21 दिसंबर को क्या हुआ, सीधा नीचे आया, समझ रहे हो? अब देखना 24 दिसंबर को मैं ये स्टॉक चूज नहीं करूंगा क्योंकि ये पहले नीचे गया फिर ऊपर गया, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। देखा, मुझे ऐसा चाहिए कंटिन्यूअस ऊपर, कंटिन्यूअस ऊपर, वही मेरे लिए सही है स्टॉक, ठीक है। एक और एग्जाम्पल शायद बजाज फाइनेंस में मुझे दिखा था, जैसे कि ये वाला कंटिन्यूअस ऊपर गया, फिर गैप अप खुला, दूसरी कैंडल भी अप गई, तो उसके हाई लो पे मैंने ट्रेड किया, ट्रेलिंग एसएल डाला होता तो प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। हमें ट्रेलिंग एसएल फॉलो करना ही है, हो सके कंफर्टेबल हो तो काउंटर ट्रेड करना ही है, अगर काउंटर ट्रेड करोगे तो 90-95% एक्यूरेसी आ जाएगी इसमें भी, अगर यूटर्न लिया मार्केट ने तो भी हम छोटा लॉस बुक करके भी हमारा ट्रेड सर्वाइव करेगा। इसमें क्या होगा, जैसे बजाज फाइनेंस में देखो, ये दिन पूरा ऊपर रहा, फिर दूसरे दिन भी उसने मोमेंटम दोपहर तक दिखाया 12 बजे तक, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे है ना, 12 बजे वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं ना, तो उसका डाउनसाइड प्रॉफिट हो जाता और ओआरबी में अपसाइड हो जाता। मैंने जितनी भी मेरी लाइफ में स्ट्रेटेजी बनाई है ना, उसका बहुत अच्छा रीजन होता है, तभी मैंने बनाई होती। और मेरा हमेशा फोकस कोई इंडिकेटर्स पे नहीं होता, मेरा हमेशा फोकस किस तरह से लिक्विडिटी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होती है उसके पीछे मैं भागता हूँ, ठीक है। तो ये देखो मैंने ये स्ट्रेटेजी क्यों बनाई, मैं अभी एक रीजन देता हूं आपको। यहां पे आपको दिखा एक एग्जांपल कि दूसरे दिन भी उसने दोपहर तक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू किया। यहां पे क्या किया कि हर बार कोटक बैंक क्या करता था, गिव अप कर देता था मोमेंटम, राइट? अब देखिए लाइट्स, एक्सिस बैंक में मैंने ऐसा देखा हुआ। अगर 19 दिसंबर की बात करें तो देखो कितना ऊपर गया, राइट? यहां पे लास्ट में उसने गिव अप किया है थोड़ा बहुत, पर मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए कि जो पूरे दिन अप रहा हो, राइट? ये पॉजिटिव में क्लोज हुआ होगा, पॉजिटिव हुआ,
अगर उसने 0.25% गिव अप कर दिया लास्ट में तो दैट इज ओके, मैं इस स्टॉक को ले सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैंने बोला था फर्स्ट कैंडल चूज मत करना है, सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल का हाई है 644 और बाद में उसने 646 का यहाँ पे हाई मार के वो नीचे गया है। हमारे पास बफर पॉइंट भी है 2.5 रुपए का। हर एक चीज बफर पॉइंट सिर्फ 2 रुपए का जो इन्वेंट किया है, उसका जो वीडियो भी बना है कि सीक्रेट ऑफ 2 रुपीज, और इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टर में तो 0.15% का बफर पॉइंट रखा हुआ है। क्यों? तो कि स्टॉप लॉस से बचा जाए। ये हर बार ये छोटी छोटी चीजें गलत ट्रेड में से आपको बचा लेगी, फिर बाद में क्या होगा, पूरा दिन डाउन ही गया तो क्या होगा बताए। मैं इसलिए ये स्ट्रेटेजी का नाम क्या रखा है कि सेकंड ट्रेड ट्रेन, कि हमें ऐसे स्टॉक चूज करने हैं कि जो पहली उसकी ट्रेंड बहुत अच्छी जा चुकी है, बहुत अच्छी तरह से ठीक है, पर वो पकड़ने के चांसेस बहुत टफ है, वो पकड़ने के चांसेस बहुत टफ है। पर हमें पता चल गया कि ये स्टॉक में इमीडिएट स्ट्रांग मोमेंटम आ गया। अच्छा, अगर इमीडिएट लिक्विडिटी का स्ट्रांग मोमेंटम आ गया हो तो आगे क्या होगा, आगे सिर्फ 3 रास्ते हैं, वो सुन लेना। अगर मोमेंटम स्ट्रांग है, अगर बाइंग पावर स्ट्रांग है, तो दूसरे दिन भी वही चीज रिपीट होगी होगी और होगी, ठीक है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बताए, दोपहर तक रिपीट होगी, बाद में सेकंड लेवल फेस में वो कूल डाउन हो जाएगी, तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात, कंप्लीटली अपोजिट मोमेंटम आ जाएगा तो पूरा डाउन चले जाएगा, तो भी क्या प्रॉब्लम है, हम तो हाई कैंडल के हाई लो पे तो ट्रेड कर ही सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कोटक बैंक में उस तरह से हुआ दोनों दिन, राइट। और या तो रेंज बाउंड आ जाएगा, ठीक है, पर रेंज बाउंड कब कब आएगा, जब कैंडल बहुत बड़ी होगी। दूसरे कुछ केसों में भी रेंज बाउंड अपने आप आ जाएगा जो कंट्रोलेबल नहीं है, इसीलिए मैंने इसका सक्सेस रेशियो आप लोगों को 80% बताया है, क्योंकि जब जब वो स्टॉक ट्रेड लेने के बाद भी अगर रेंज, अगर ब्रेकेट ऑर्डर डालने के बाद भी अगर वो रेंज माउंट रहा, उसने ज्यादा अगर मूवमेंट ही नहीं बताई, तो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया था। तो अब पता चला कि ये स्ट्रेटेजी क्यों बनी। ये स्ट्रेटेजी टोटली लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे है, मोमेंटम के बेस पे है, और मोमेंटम का दूसरे दिन फायदा कैसे लिया जा सके, तो आप सोच सकते हो बैठे बैठे। देखो, सोचना है ना, प्रॉफिट बनाना है ना, तो सोचना पड़ेगा, जेन्युइन तरीके से सोचना पड़ेगा। तो ये सब ट्रिक्स होती है, टेक्निक होती है कि अच्छा, मैं फायदा हर एक चीज का कैसे उठा सकता हूं, तो पता चलता है कि नहीं, 3 चीज होने वाली है, तो वो 3 चीज को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाओ, फिर उसमें तो जो चीज फॉल डाउन होली है उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट एस्टेब्लिश करो, तो अपने आप आपके सामने एक अच्छी स्ट्रेटेजी आएगी जिसपे आप बहुत अच्छा रिलाई कर सकते हो। और अगर थोड़ा होमवर्क करने का थोड़ा शौक हो, क्या कर सकते हो बताए, जो 500 से 3000 रुपए वाले स्टॉक है निफ्टी 50 में, तो थोड़ा एनालाइज करो ना उसका 6 महीने का या 1 साल का डेटा, तो उसमें से आपके सामने ऐसे स्टॉक आएंगे कि जो ज्यादा फेवरेबल है स्टॉक स्ट्रेटेजी के लिए, जो ज्यादा इस तरह से मूव करते हैं जैसा हम ये स्ट्रेटेजी में चाहते हैं। तो मुझे कोई ताजुब नहीं होगा कि अगर आप इसमें से बहुत अच्छी कैपिटल बना पाओ। क्यों? क्योंकि ये कोई लॉजिकलेस चीज पे बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर एक चीज मैंने समझाई है, हर एक चीज का कोई ना कोई रीजन है, और इस तरह से मैंने समझाया ताकि सब लोगों को आपको समझ में आ जाए। अच्छा, यहाँ पे एक बात के स्टॉप लॉस, देखो स्टॉप लॉस 2 चीजों पे रख सकते हो। हम सेकंड लेवल पे ट्रेड करेंगे, लाइक सेकंड कैंडल पे ट्रेड करेंगे, राइट। तो मैं चाहता हूं कि या तो आप सेकंड कैंडल का जो लो आए है उस पे अगर आप रख दो तो भी कोई इश्यू नहीं है, या तो अपने खुद के रिस्क रिवॉर्ड रख दो तो भी कोई इश्यू नहीं, पर मैं प्रीफर करता हूं कि आप सेकंड कैंडल का जो हाई लो है उस पे अपना स्टॉप लॉस रखो, बस इस तरह से आगे बढ़ो और हमेशा ट्रेल करो, ट्रेल के बिना आगे बढ़ बढ़ो, बहुत अच्छी तरह से आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है दोस्तों। बस मैं ये स्ट्रेटेजी यहीं पे एंड करता हूं, और जिस तरह से हर एक वीडियो में बोलता हूं तो इसमें भी बोलूंगा कि बहुत जेन्युइन तरीके से हम इंडिया में आगे बढ़ रहे हैं, हजारों लोगों ने हम पे विश्वास किया है, और इंट्राडे मास्टर प्रोग्राम है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जो टेलीग्राम के थ्रू हैंडल होता है, जिसकी फीस सालाना सिर्फ 1000 रुपीज़ है, GST मिला के 1100 से, उसी तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी प्रोग्राम भी है, सेम फीस है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। शॉर्टकट माइंडसेट से मत आना, पेशेंस रखना और सीरियस माइंडसेट रखना, ठीक है। अच्छी तरह से सीखोगे तो आपका दिमाग सोच पाएगा, रास्ता बना पाएगा। A+B=C, 2+2=4, ऐसा दिमाग मत रखना, थोड़ा ये सब सोचोगे तो अपने आप सिंपल सिंपल स्ट्रेटेजी से में भी पैसा क-
कमाल होंगे। दूसरी जनवरी 15 से 1 करोड़ इंट्राडे की चैलेंज शुरू होगी। फेब्रुआरी से मिडिल क्लास से मुक्ति जो मूवमेंट होगा वो पूरा होगा, तो आप ये सब चीज़ें भी अब ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो या प्रोग्राम ज्वाइन करना हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है। इवन ध्यान रखना कि थोड़ा टाइम लगता है, कई बार 1-2 दिन भी लग जाएंगे आंसर करने के लिए, क्योंकि बहुत हज़ारों लोगों को मैसेज आते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उसमें बुरा मत लगाना। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू।